हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी एजी वसीम चैनल में। इनकी आज की इस वीडियो में हम पोको M6 Pro का फ्री फायर मैक्स टेस्ट करेंगे 1 आवर तक, एंड साथ ही के इस बैटरी डैन टेस्ट, हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं, कैसा FPS ये प्रोवाइड करता है एंड अल्ट्रा पे क्या इसमें गेमिंग आप कर सकते हैं या नहीं। तो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि इस ये फोन काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ में आता है अंडर 10,000। सो गाइस देखिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्त, यहाँ पे हम फ्री फायर में आ चुके हैं। सबसे पहले सेटिंग में आपको ले चलकर दिखा दें, तो गाइस देख सकते हैं सभी सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स पे कर दिया। ओके, टेम्परेचर देख सकते हैं अभी 33.3 एंड रूम टेम्परेचर भी देखेंगे 32 के अराउंड ही है। ओके, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 11:03 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज फिलहाल है 22 पे है। तो गाइस देखेंगे आफ्टर प्ले। अब गाइस इस फोन की सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स बता दूँ एंड गाइस यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है एंड ये फ़ोन क्यों बेस्ट है अदर ब्रांड से अगर कंपेयर किया जाए इस टाइम पे। तो सो गाइस इसमें आपको काफ़ी कमाल का मतलब प्रोसेसर देखने को मिलता है अंडर 10,000। ये मतलब पहला ऐसा फ़ोन है जो कि इसमें प्रोसेसर देखने को मिला, वो है गाइस 4 Gen 2 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से। 4 Gen 1 जो आया था ना गाइस, वो 15,000-18,000 के फ़ोन में देखने को मिलता था, और ये गाइस उसका नेक्स्ट वर्जन है। फिर भी गाइस अंडर 10,000 पोको वालों ने ला दिया। वैसे रेडमी ने पहले लॉन्च किया 11,000 के अराउंड में यही प्रोसेसर को, बट उसी को रिब्रांड करके पोको ने 10,000 में ला दिया, तो ये काफ़ी मुझे सही लगा। अब गाइस यहाँ पे इसके स्पेक्स की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा फ़ोन है भाई, पोको का सबसे बड़ा फ़ोन मैं इसको बोल सकता हूँ। 6.8 इंच का अप्रॉक्स देखने को मिलता है एंड गाइस यहाँ पे बॉक्सी डिज़ाइन होने की वजह से आप एक हाथ से बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। मेरा हाथ इतना बड़ा है, फिर भी भाई मतलब दोनों हाथ से यूज़ करना ही पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई इतना कहूँगा। लेकिन जो गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सही हो जाएगा एंड वीडियो जो देखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है तो एक्सपीरियंस आपको बेटर देखने को मिलेगा। वहीं पर गाइस यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, बट एज यूजुअल आपको पता है कि पोको या शाओमी का जो भी मतलब बजट में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से गाइस यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि उतना मस्त आपको स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर इस प्राइस के रेंज से कंपेयर कीजिएगा तो थोड़ा बेटर फील दे देगा। लेकिन भाई मैंने लावा का वो फ़ोन टेस्ट किया था Blaze 2, भाई उसमें 90Hz उसमें भी था और वो प्रोसेसर वीक भी था, फिर भी गाइस इससे मुझे वो ज़्यादा बेटर स्मूथनेस फील किया था। वहीं पे गाइस बात कर लीजिए अदर फोन की, जैसे मोटरो के फोन आते हैं वो भी गाइस इस प्राइस रेंज में भी वो ज़्यादा बेटर स्मूथनेस फील कराते हैं कंपेयर टू इसके। तो यहाँ पे ये मुझे सॉफ्टवेयर से थोड़ी शिकायत है, सॉफ्टवेयर पे इनको काम करने की ज़रूरत है थोड़ा स्मूथ करने की। फीचर वगैरह तो सभी चीज़ अच्छी है, बस वही है कि थोड़ा स्मूथ फील नहीं होता है। ओके गाइस यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लीजिए तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है एंड गाइस यहाँ पे 18W की चार्जर देखने को मिल जाता है। जल्दी गाइस यहाँ पे डिटेल में आपको वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पे हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे फुल्ली 100-0 एंड साथ ही गाइस 0-100 चार्जिंग भी टेस्ट करेंगे एक ही वीडियो में। तो गाइस वो जल्दी वीडियो आएगा तो उसके लिए आप जरूर से वेट कीजिए, वहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ओके, अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके जो स्पीकर देखने को मिलता है, तो इसमें गाइस आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है सिंगल स्पीकर से, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में जनरली आपको यही देखने को मिलेगा। कैमरा की बात कर ली जाए तो कैमरा मुझे इसका इंप्रेसिव लगा एंड जल्दी गाइस इसका कैमरा टेस्ट वाला वीडियो भी आएगा, तो गाइस आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि क्यों मैं इसको बेटर बोल रहा हूँ। 8 मेगापिक्सल ही सेल्फी है, लेकिन भाई सच बताऊँ ना बहुत ही एक्यूरेट पिक लेता है आउटडोर में स्पेशली। बाकी गाइस आप वीडियो का वेट कीजिए। और गाइस यहाँ पे सेंसिटिविटी वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है। बात यह है कि ये फ़ोन काफ़ी सही परफॉर्मेंस देता है एंड गाइस थोड़ा देर बाद मतलब आधे घंटे का अप्रॉक्स आप प्ले कर लेते हैं, उसके बाद से थोड़े बहुत आपको बीच बीच में जिटर्स फील होंगे, लेकिन गाइस कोई मेजर मतलब दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। आप अल्ट्रा पे भी मस्त प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो फुल्ली बैटरी रन टेस्ट आएगा ना उसमें हम हर सेटिंग में प्ले करके आपको दिखाएंगे एंड वहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो डिटेल में आपको जानकारी देंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अल्ट्रा पे आप इजीली प्ले कर सकते हैं, ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है जिसके वजह से गाइस आप मस्त गेमिंग कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। स्पेशली अगर अदर ब्रांड से कंपेयर किया जाए तो उनसे मैं कह सकता हूँ कि बेटर है आजकल जो G37 वगैरह G88 यूज़ कर रहे हैं। वैसे G88 प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही बात है ऑप्टिमाइजेशन पे, क्योंकि भाई G88 को हमने टेस्ट किया था इन्फिनिक्स हॉट 11S में, वहाँ पे काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस मिला। लेकिन वहीं पे गाइस Realme C55 में उसी प्रोसेसर को टेस्ट किया, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस किया। वैसे गाइस जल्दी Realme C55 से भी इसका डिटेल कंपैरिजन आएगा फ्री फायर वगैरह BGMI वगैरह, तो आपको और अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखिए गेम को एंड तक एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस आपको आखिर में बताते हैं गाइस बैटरी ड्रेन एंड टेम्परेचर के बारे में। ओके, सो दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक।
double kill. तो दोस्त फाइनली यहाँ पे हमारा गेम हो चुका है कंप्लीट एंड टेम्परेचर देख सकते हैं 39.2 के अप्रॉक्स गया है। तो कोई ज़्यादा हीटिंग इसमें देखने को नहीं मिलता है और अभी मौसम भी थोड़ा कूल है, इसके वजह से इस टेम्परेचर 40 भी टच नहीं किया, बट इजीली आप मान सकते हैं कि ये 40 ईजिली टच कर लेगा, लेकिन कोई भी हीटिंग इशू इसमें नहीं है। बैटरी रन की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट एक घंटे में ये 17% डिक्रीज़ किया, बैटरी बैकअप काफ़ी सही है। इस प्राइस रेंज में जनरली कोई भी फ़ोन टेस्ट किया जाएगा तो 20% डिक्रीज़ हो जाता है, बट वीवो का जो आया था ना T2X वो 14-15% डिक्रीज किया था, तो वो मुझे और बेटर लगा था। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय।